जब 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 हम बैठेंगे आगे की वीडियोस सोचने के लिए, तो देखेंगे कि उसमें किस तरह की स्टोरी लाइन आती है और उसमें किस तरह का किरदार अदा करवाना है। तो वो जो एक फैसला है, वो जब वक्त आएगा वीडियो प्लानिंग में, वो उस वक्त हम लेंगे। एक्चुअली ये एल्बम पहली बार नॉन फिल्म, बिकॉज नॉन फिल्म एल्बम है ये, पहली बार एक्चुअली इस एल्बम में जो 8 गाने हैं उसमें से 6 या 7 वीडियो होंगे, जो नॉर्मली एक एल्बम में हर गाने का एक ही वीडियो होता है। इस एल्बम में अदनान एक्चुअली 6 वीडियो करेंगे, तो अभी भी 5 वीडियो का स्कोप है या 6 वीडियो का स्कोप है, जहाँ पर अभिनेत्री भी हो सकती हैं, इंटरनेशनल भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जब आप बाहर की बात कर रहे हो, नहीं बाहर HMV रिटेल स्टोर बंद हुआ है, बिकॉज इंटरनेशनल अभी फिजिकल फॉर्मेट बहुत ही कम हो चुके हैं। जैसे हालांकि इंडिया में अभी भी CDs बिकती हैं और डिजिटल तो बहुत ही आगे है, लेकिन लंदन में HMV कंपनी बंद हो गई है, वर्जिन मेगा स्टोर बंद हो गई है। ओ एक्चुअली LPs आर बैक नाउ, इनफैक्ट यू विल सी होपफुली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एक आध महीने में अदनान का भी LP निकलेगा, और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब कॉलोनियल कजन्स का एल्बम हमने किया, वो मल्टी फॉर्मेट में हुआ जहाँ पर LP भी था, और अदनान का हम इसलिए वेट कर रहे हैं बिकॉज मैंने आपको पहले कहा कि अभी बहुत ही वीडियो हैं, अभी हर 30 दिन में एक वीडियो ड्रॉप होगा। रोया वॉज द फर्स्ट वन, इसके बाद अभी और एक है, फिर ऐसे होते होते 6 महीना ये प्रोजेक्ट गर्म रहेगा, और ये LP और ऑल सॉर्ट्स ऑफ मल्टी फॉर्मेट ज़रूर आएगा।